वेलकम बैक टू डियर्स क्लासेस। डियर्स क्लासेस में आज आप सभी का स्वागत है। मैं दीपिका साहू आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास फिफ्थ लेसन वन की फुल एक्सरसाइज। जिसने भी क्लास फिफ्थ की लेसन वन द प्रेयर की हिंदी अनुवाद नहीं समझा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लोग जाइए और उसे देख लीजिएगा, जिससे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। लिसन एंड रिपीट, इनको सिर्फ सुनना है और रिपीट करना है। ट्री मतलब होता है पेड़, ईट मतलब खाना, बेयर मतलब पहनना, रीड मतलब पढ़ना, फ्री मतलब मुक्त, सीट मतलब गद्दी या फिर जो बैठने की कुर्सी होती है ना वो, टेयर मतलब आंसू, वेड मतलब दाढ़ी, थ्री मतलब तीन, हीट मतलब गरम, वेयर मतलब भालू और लीड मतलब किसी भी चीज़ का नेतृत्व करना। आगे देखते हैं वर्ड्स पावर। सर्कल द ओड वंस, आपको सर्कल करना है ओड वंस पे। तो जानते हैं ओड वर्ड क्या होते हैं। ओड वर्ड जो सबसे अलग हो, जो भी चीज़ इसमें से जो भी वर्ड्स अलग जा रहा है उसको हम लोगों को सर्कल करना है, उस पर गोला लगाना है। एग्जाम्पल उन लोगों ने दिया हुआ है फ्लावर, ग्रास, वर्ड्स और ट्री। तो फ्लावर, ग्रास और ट्रीज़ एक आपस में मेल खाते हैं, लेकिन जो पक्षी है वो इसमें कहीं भी फिट नहीं बैठता है। तो हम लोग किस पे गोला लगाएंगे, वर्ड्स पे। ठीक है, सिंपल चीज़ है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट ए से वर्ड्स, बी बटरफ्लाई और बफेलो। ये जो हैं बर्ड्स, बी और बटरफ्लाई, ये क्या हैं, आपस में मेल खाते हैं, लेकिन जो बफेलो है ये जानवर है और ये सबसे अलग है। और ये चीज़ें क्या हैं, पक्षियों में आती है, उड़ने वाली चीज़ों में। ठीक है, और जो बफेलो है वो भैंस होती है, तो वो अलग जाता है। वी सॉन्ग मतलब गाना, फूड मतलब खाना, क्लॉथ मतलब कपड़े और होम मतलब घर। तो इसमें गोला किस पे लगेगा, सर्कल किस पे बनाएं, सॉन्ग पर। सॉन्ग पर इसलिए क्योंकि ये अलग जाता है, कपड़ा खाना और घर एक ही चीज़ है, आपस में मेल खाती है। मतलब फादर, ब्रदर, सिस्टर, सिंगर। अब आप बताइए, फादर और ब्रदर और सिस्टर आपस में मेल खाते हैं, लेकिन जो सिंगर है वो ओड वर्ड है क्योंकि वो सबसे अलग जा रहा है। अजीब व गरीब वो वर्ड है ये। डी देखेंगे, बुक, पेंसिल, वाटर और पेन। पेन से हम लोग लिखते हैं, पेंसिल से भी और बुक से पढ़ते हैं, ये आपस में मेल खाती हैं, लेकिन पानी कहीं से कहीं तक मेल नहीं खाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो वर्ड सबसे अलग जाता है वही कहलाता है ओड वर्ड। ठीक है, देखिए मैंने बिना कट किए सर्कल बना दिए, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, कंप्लीट दिस, क्या लिखा है, कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। जो ये वर्ड्स दिए गए हैं उनसे क्या करना है, सिर्फ आपको इसमें भरना है। मैं मार्क करती जाऊंगी, आप लोग देखते जाइएगा। वी से इसके बाद ब्लैंक है और इसके बाद क्या लिखा है, एवरीडे। हम लोग हमेशा मतलब डेली क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्वियसली ये प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो फर्स्ट ये हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, प्रेयर। सेकेंड है वी वाटर एवरी डे, हम किस में पानी देते हैं, प्लांट्स में, तो सेकेंड ये हो जाएगा, सेकेंड में क्या भरेंगे, प्लांट्स। थर्ड हम लोग देखेंगे, बी प्ले, आप लोग क्या खेलते हैं, गेम्स। ठीक है, तो थर्ड पे गेम्स आएगा, थर्ड पे गेम आएगा। वी रीड, हम लोग हमेशा या डेली क्या पढ़ते हैं, बुक्स, तो ये चौथे नंबर पे आएगा। इसके बाद फिफ्थ पे क्या आएगा, वी फीड अवर, हम किसको खाना खिलाते हैं, पेट्स, जो कुत्ते के बच्चे होते हैं ना पेट्स बोलते हैं, तो इसमें क्या आएगा, पेट्स आएगा। ठीक है, आप लोग भर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है आंसर दीज क्वेश्चन। ये चार जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं उनके आपको क्या करना है, आंसर करना है। बहुत ही छोटे छोटे आंसर हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लास फिफ्थ वालों के लिए बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं,
फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोयम। आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है राइमिंग वर्ड्स इन द पोयम। जिन्होंने भी पोयम पढ़ी है वो तो राइमिंग वर्ड्स निकाल लेंगे, जिसने नहीं पढ़ी है उनको दिक्कत होगी। तो चलिए मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, उसमें ही समझाती हूँ कैसे करना है। ये देखिए, यहाँ पर द राइमिंग वर्ड्स इन द पोयम आर, ये तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। फादर मदर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनको बोलने पर एक समान ध्वनि निकलती हो, मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा हो। जैसे मैं बोलूँ कि रिवर, क्रिपर, या फिर बोलूँ कि हेयर, देयर, ऐसे। हम लोग हेयर देयर बोलते हैं तो एक ही स्वर निकलता है ना बोलने में, एक ही ध्वनि निकलती है ना, तो वही होते हैं राइमिंग वर्ड। जैसे ट्री, वीज, देयर, वेयर, सिंग, थिंग। अगर इसके अलावा भी आपको पोयम में कुछ और राइमिंग वर्ड्स दिख रहे हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच लाइन डू यू लाइक मोस्ट, विच लाइन्स डू यू लाइक मोस्ट। तो इसमें क्या करना है, आपको ये बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा जो लाइनें हैं वो कौन सी पसंद आई हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। अब जिसने पढ़ा है उसको तो पसंद आई होगी, जिसने पढ़ा ही नहीं है वो क्या करेगा। आई लाइक द लाइन्स मोस्ट, ये आप क्वेश्चन में से लिख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको यहाँ तक। फॉर आवर सिस्टर एंड फॉर एंड आवर ब्रदर्स वी थैंक यू गॉड, जो मैंने लास्ट की लाइन है वो ले ली है। अगर आपको पूरा पैराग्राफ पसंद आया है तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बस याद आपको करना है, ये ध्यान में रखते हुए करिएगा। और पोयम अगर पढ़ना हो तो मैं बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप लोग जाइए उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से, और आप लोगों का ना फालतू टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, 5 से 6 मिनट की वीडियो है, हमारी वीडियो की यही खासियत होती है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर आप सी वाला देखिएगा कि वाई शुड वी थैंकफुल टू गॉड, हमें भगवान के प्रति हमेशा आभारी क्यों होना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए इसका आंसर, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग। देखिए आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते थे, लेकिन मैंने लिखा है फॉर एवरीथिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पोयम में बताई गई है पोइट के द्वारा, लेकिन फॉर एवरीथिंग एक ऐसा वर्ड है जिसमें ये मालूम पड़ता है। फॉर एवरीथिंग मतलब क्या होता है, हमें सभी चीज़ों के लिए भगवान से आभार प्रकट करना चाहिए, हमेशा भगवान के प्रति आभारी रहना चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन और ये जो दो वर्ड हैं सिर्फ आपको इसमें यही लिखने, बाकी ये जो हैं आप क्वेश्चन में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं डी वाले का आंसर। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड। सबसे अच्छा तरीका भगवान को शुक्रिया अदा करने का, भगवान को आभार प्रकट करने का कौन सा है। तो इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट है, इसका आंसर है द सिंपलेस्ट वे टू पे, ये पूरा थैंक्स है, द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स है, ये पूरा नहीं दिखा यहाँ पर। टू गॉड, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, इज द प्रे टू गॉड, मतलब प्रार्थना एक ऐसा है, प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिससे हम भगवान को सबसे सरल तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान का आभार प्रकट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। लेट्स टॉक, आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता दे रही हूँ, इम्पोर्टेंट ही है इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बोर्ड है क्लास 5th, तो कुछ भी आ सकता है, ग्रामर में भी वो बहुत कुछ पूछ सकते हैं, जैसे नाउन की परिभाषा, प्रोनाउन की परिभाषा, एग्जाम्पल, तो आप लोगों को चाहिए। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, नोटिस द यूज़ ऑफ पॉलिटी एक्सप्रेशन एंड रिस्पॉन्स। आपको इस पर क्या नोटिस करना है कि कैसे हम लोग किसी को रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्स मतलब प्रत्युत्तर देते हैं, और कैसे उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आई वॉन्ट टू मीट अ हेडमास्टरेस, मैडम वेयर इज सी, तो क्षमा कीजिए मैं, जो हमारी हेडमास्टर मैम हैं, मतलब श्रीमती प्रधानाचार्य,
चार्या जो हैं उनसे मिलना चाहता हूँ, कहाँ हैं वो? उनके बोलने का तरीका देखा उन्होंने, नोटिस किया आपने कि चारू ने क्या बोला, एक्सक्यूज़ में बोला। फिर रोहित बोलता है ओ सी इज़ इन दी ऑफिस, वो कहाँ पर है? ऑफिस में है। तो चारू बोलती है क्या, थैंक यू। थैंक यू बोलना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये चीज़ें आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, जैसे कि ओ थैंक यू, ये चीज़ें आपको आगे यूज़ करनी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये थोड़ा बहुत आप लोग कर लीजिए, वाई नॉलेज अगर बाई चांस आ गया तो आप लोग बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, इसलिए बता रही हूँ। चलिए देखते हैं आगे इसका रिसॉल्व क्या है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को उसने इतना बोला थैंक यू, यहाँ से आपको क्या करना है, उन लोगों ने वर्ड दिए हैं सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, पर्डन, ईटीसी आप लोगों को दिए गए हैं, तो इनको आपको ये सेंटेंसों में यूज़ करना है, दैट्स इट, इतनी सी बात है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें भरनी है, जैसे कि यहाँ पर ब्लैंक्स दिया है, फिर इसके बाद उन्होंने बोला है कि सर कैन यू शो मी द वे टू स्कूल, तो जैसे कि उसने पूछा था कि एक्सक्यूज़ मी आई वांट टू मीट अ हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस, तो इसमें भी उसने यही कुछ पूछने की कोशिश की है, तो आप लोग भी एक्सक्यूज़ मी ही लिखेंगे, ठीक है। एंड देन आगे आप लोग देखेंगे इसमें थैंक यू क्यों लिखा है, आप लोगों को बताती हूँ। नाउ आई शैल फाइंड इट आउट, मतलब कि हाँ अब मैं रास्ते को वे को प्राप्त कर लूँगा, तो यहाँ पर आपको धन्यवाद देना जिसने आपकी हेल्प की है उसका। थर्ड अगर आप देखेंगे सॉरी लिखा है, मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आई डोंट नो, आस्क समबडी एल्स, जैसे आप खुद से किसी ने पूछा कि यार भाई यहाँ जाने का रास्ता क्या है, एंड आप बोलते हैं सॉरी यार मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछ लीजिए, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सॉरी आई डोंट नो, आस्क समबडी एल्स, तो यही है। फोर्थ देखेंगे, और हाँ आपको कहीं और से वर्ड लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक उन्हें खुद वर्ड्स दिए हुए हैं, तो उन्हीं वर्ड्स में से भरना है आपको, है ना। तो यहाँ पर फोर्थ देखेंगे मैंने पर्डन लिखा है, पर्डन अभी भूल जाइए, आई कुडंट गेट यू, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, क्षमा कीजिए, पर्डन मतलब भी क्षमा ही होता है, क्षमा कीजिए मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। और फिफ्थ आप देख सकते हैं अपनी बुक्स में देखिएगा, कैन यू गिव मी योर फ़ोन नंबर, क्या आप मुझे अपना संपर्क सूत्र देंगे, तो आप प्लीज़ करके बोलेंगे, किसी से भी कृपया ही करके बोलेंगे ना ऐसी चीज़ों को, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक्सप्रेशन रहा, और ये आपके कुछ मतलब कि रिस्पॉन्स थे, जब कोई आपसे कुछ बोलता है तो आप इस तरीके से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, सिर्फ ये बताया है, तो ये एक बारी पढ़ लीजिएगा क्योंकि अच्छा रहता है। आप देखते हैं आगे, आस्क योर क्लासमेट द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड टॉक, आपको आपके क्लासमेट से जो भी आपका साथी है दोस्त है उनसे ये क्वेश्चन करने हैं और बातचीत करनी है इन क्वेश्चन पे। जैसे मैं क्वेश्चन का मतलब समझा देती हूँ, आंसर आप लोग उनसे लीजिएगा। हु हैज़ गिवन अस फादर एंड मदर, मतलब कि किसने हमें पिता और माता दी है, भगवान ने, तो हु की जगह पे गॉड लिखिएगा। व्हाट हैज़ गॉड गिवन अस टू रीड, भगवान ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया है, ऑब्वियसली बुक दी है। व्हाट हैज़ गॉड गिवन द वर्ड्स बट्स टू अनेबल देम टू फ्लाई, इसके बाद है व्हाट डू वी डू टू थैंक गॉड एंड नेम द थिंग्स गिवन बाय गॉड, तो ये सारे क्वेश्चन आप आपके क्लासमेट से पूछ सकते हैं एंड बातचीत कर सकते हैं, ये पेपर में नहीं आएंगे, डोंट वरी। लेट्स रीड द पोयम्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ब्लो इट द नाइट स्काई, इसमें एक पोयम दी गई है, इस पोयम को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पोयम पूछी जाती है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, ये एक प्रकार से पैसेज पोयम है, इसमें जो पोयम दी हुई है उसको एक बार ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा और एंड उसके बाद क्या करिएगा उसके आंसर दीजिएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ इसके आंसर क्या है। फर्स्ट है व्हाट साइन ड्यूरिंग द डे, दिन के समय क्या शाइन करता है, अगर आप समय निकाल कर इस पोयम को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा। इसमें दिया हुआ है द सन साइन ब्राइट, ठीक है, क्या क्या साइन करता है, सन, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। व्हाट शाइन ड्यूरिंग द डे, तो सन लिख दीजिएगा। डी अगर वो सॉरी बी अगर देखेंगे तो हाउ डज द सन साइन, सन कैसे साइन करता है, तो उसके जस्ट साइड में अगर आप देख रहा हो तो ये लिखा है ब्राइट, कैसे साइन करता है, ब्राइट ब्राइटली साइन करता है। व्हाट कम आउट बाय द नाइट, नाइट में क्या क्या आ जाते हैं, द मून एंड
स्टार्स, तो थर्ड में आपको ये लिखना है ये, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट पोयम है अगर बहुत अच्छे से करेंगे तो। हाउ डू द मून एंड द स्टार वॉच द वर्ल्ड, कैसे जो सन और तारे हैं वो वर्ल्ड का क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या था, वॉच करते हैं, देखते हैं। तो फ्रॉम जुलाई टाइम दे, इतना ही लिखना है आपको, फ्रॉम जुलाई टाइम। नहीं इस, ये फोर्थ का है, सॉरी बाय मिस्टेक में इसे गलती हो गई, ये नहीं। यहाँ से अगर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तब भी चलेगा, और अगर आप क्वाइट आइज लिख देंगे ना, क्योंकि क्वाइट आइज आइज से ही वो पूरा पृथ्वी का, पूरी दुनिया का भ्रमण करते हैं, तो वो भी सही रहेगा, देखते हैं। और ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ मोर प्लेजिंग प्लेजिंग टू यू द मून और द स्टार, तो आपको इनमें से एक कुछ लगाना है कि आपको द मून प्लेजिंग करता है, मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है या स्टार्स। मनमोहक बोलते हैं, मनमोहक। आगे देखते हैं, लेट्स राइट राइट फाइव सेंटेंस अबाउट द थिंग्स गिवन बाय गॉड, आपको क्या करना है, पांच से छह चीज़ें लिखनी है किसके बारे में, जो गॉड ने आपको दी है ना उनके बारे में। तो मैंने लिख दिया है, अगर आपको ये अच्छा लगे, सूटेबल लगे, तो आप ये लिख लीजिएगा, और अगर आपके हिसाब से दूसरा लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। गॉड हैज़ गिवन अस करके ही लिखिएगा, एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है आप लिख लीजिएगा, और गिवन अस करके आपको जो भी दिया है आप लिख लीजिएगा। जैसे मैंने लिखा है ट्रीज, फादर्स, मदर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, स्कूल एंड ऑल दैट थिंग्स, सभी चीज़ें भगवान के द्वारा दी गई हैं, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद आपको एक डेली रूटीन दिया गया है, अगर आपको करना हो तो कर लीजिएगा, वरना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने इस वीडियो में ले ली है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट में बताइएगा कि कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया है। और हाँ, कि PETS पैट्स मतलब क्या होता है, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताकर ज़रूर जाइएगा, ठीक है। अगर क्लास फिफ्थ से जुड़ी कोई भी ग्रामेटिकल या फिर लेसन्स या हिंदी अनुवाद कुछ भी चाहिए, तो हमारी टीम को हमारे कमेंट सेक्शन खाली है आप लोगों के लिए, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा उसके लिए, और वो वीडियो ज़रूर आएगी आप, बिकॉज योर विस इज़ माई कमांड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।